तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी, खबर दिन भर। हुंडरू फॉल पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य परियोजना का रखा गया आधारशिला। सोमवार को हुंडरू फॉल पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य परियोजना का आधारशिला विधायक राजेश कच्छप खिजरी विधानसभा के करकमलों द्वारा किया गया। विधायक ने कहा कि सड़क की चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के कार्य में 28 करोड़ की लागत आएगी। चौड़ीकरण हो जाने से स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों को भी भ्रमण करने में सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि 2 साल कोरोना काल में लोगों की जान बचाने का कार्य किया गया। झारखंड में विकासात्मक कार्य धीमी गति से चल रही थी, लेकिन अब झारखंड का सही मायने में विकास कार्य किया जा रहा है। आने वाले दिनों में जल्द ही पुरुलिया रोड रांची से मुरी का सौगात बहुत जल्द मिलने वाली है। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री एवं झारखंड सरकार को बधाई भी दिया। मौके पर अनगड़ा कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष इतवा उराव, विधायक प्रतिनिधि अनगड़ा राजेंद्र मुंडा, मिनहाज अंसारी, साकीर अंसारी, मुमताज खान, सरस्वती देवी, शिवदास गोस्वामी, फारूक खान, शफीक अंसारी, नईम अंसारी, समीम खान, जितेंद्र महतो, पंचू तिर्की, छोटेलाल महतो, अजय करमाली सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। सोना न्यूज अनगड़ा से बाबलू मुश्ताक की रिपोर्ट। देखिए, रोड की आवश्यकता थी। रोड चूंकि पर्यटक स्थल है हमारा, हजारों लोगों का आवागमन है इस रास्ते पे, और बहुत पुराना एक डिमांड रहा था कि रोड को सुदृढ़ीकरण किया जाए, रोड को मजबूतीकरण किया जाए, रोड डबल लाइन का रहे और रोड में आवागमन में कहीं भी किसी प्रकार की जो सैलानियाँ हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, इसका डिमांड जनता का रहा था। आज अथक प्रयास के बाद में मैं पथ निर्माण विभाग के हमारे मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारा जो प्रपोजल था उसको स्वीकार किया और इस रोड को देने में अपनी अहम भूमिका निभाया। मैं झारखंड सरकार को भी धन्यवाद दूंगा। 2 साल कोरोना काल का रहा था, 2 साल में बहुत सारे कार्यों को झारखंड सरकार नहीं कर पाया था, क्योंकि लोगों का जान बचाना विकास से ज़्यादा जरूरी था। तो हम लोगों का पूरा फोकस उस दृष्टि में था कि लोग सुरक्षित रहे, झारखंड सुरक्षित रहे। अभी हमारे पास टाइम है, बहुत सारे कामों को करना है। निश्चित तौर से यह शुरुआत, मैं मानता हूँ कि यह शुरुआत है। आने वाले दिनों में निश्चित तौर से इसकी गुणवत्तापूर्ण निर्माण हुए, उसके बाद में लोगों का जो आकांक्षा है वो पूरी हो। उसी प्रकार से ये जो पुरलिया रोड जो हमारा है रांची से लेकर के मुरी तक का, इसका भी डिमांड रहा है, इसकी भी सौगात लोगों को बहुत जल्द मिलने वाली है। एक छोटी प्रक्रिया कुछ प्रक्रिया बाकी है, उस प्रक्रिया के बाद में इस रोड का भी बहुत जल्द शिलान्यास आधारशिला रखा जाएगा। इसके लिए भी मैं विभाग के मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि लोगों का जो प्रमुख रास्ता है, यहां के प्रतिनिधि होने के नाते जो बात हमने सदन से लेकर के उनके कानों तक रखा, उस बात को उन्होंने माना और इस रोड को भी सेंसन कराने में सहयोग किए। इसके लिए मैं पुनः झारखंड सरकार को का आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत जल्द यहाँ पे विकास की जो यहाँ के अनुरूप वो गाड़ी जो है झारखंड सरकार का जो रफ्तार है निश्चित तौर से तेज़ी से बढ़ेगा और लोगों का जो जनाकांक्षा है उसको पूर्ण करने में अपनी जो कमिटमेंट है उस कमिटमेंट को पूरा करने का सरकार प्रयास करेगी।